में जो इन्होंने ट्रिपल तलाक का जो इन्होंने बिल पास किया, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास किया उन्होंने, ये जमहूरियत के खिलाफ है बिल्कुल। ऑलरेडी ये केस जब चल रहा था स्टेट को, तो हुकूमत ने चोर दरवाजे से इसको लाकर और इस तरह ये माहौल ख़राब करने की बारी आई किस तरह की। हालांकि ऑलरेडी ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था इसको कि हम इसके जांच कर रहे हैं और हम इसके उसूल और जवाबी जो इसके होंगे कि हम इसको देखेंगे। लेकिन हुकूमत ने जो इस काम को किया है कि पीछे के दरवाजे से लाकर, ये बिल्कुल जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। अब मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों महसूस होता है कि हुकूमत इस मसले के ज़रिए 2019 का जो इलेक्शन है इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि हुकूमत जो ये जल्दबाजी में जो फ़ैसला ले रही है, ये असल में 2019 के इलेक्शन बिल्कुल करीब है। हुकूमत को चाहिए था कि अगर फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में आपको लेना था तो 2 करोड़ का नौकरियों क्या हुआ, ब्लैक मनी आप बाहर से ले रहे थे उसका क्या हुआ, महंगाई आप कम कर रहे थे उसका क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के अंदर हुकूमत जब हमारी फेल हो चुकी तो इन तरह के इश्यूज़ को लाकर ये हमारे हिंदुस्तान की आवाम के उनकी थिंकिंग को, सोच को डाइवर्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आपने जैसा पूछा कि हुकूमत वक्त इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत ही अहम मसले में जिसका ताल्लुक मुस्लिम खवातीन से है, मुस्लिम औरतों से है, ट्रिपल तलाक, तलाक सलासा। चूँकि ये तलाक सलासा जब से मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की सल्तनत पर काबिज़ हुई और उसकी हुकूमत बनी, उसी वक्त से ये मसला बिल्कुल चारों तरफ से मुस्लिम औरतों के हक़ के लिए उछाला जा रहा है और कहीं ना कहीं से हमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हुकूमत वक्त मुस्लिम औरतों के हक़ के लिए काम करती है, उनके मफाद के लिए काम करती है, उनके फ़ायदे के लिए काम करती है। मेरा हुकूमत वक्त से एक छोटा सा सवाल है, मैं इस वीडियो के ज़रिए उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई मुस्लिम औरतों के ताल्लुक़ से आप इतने मुतफक्किर और इतने फ़िक्रमंद क्यों, या कौम मुस्लिम के इसी मसले को लेकर के आपको इतनी फ़िक्र क्यों। औरतें अल्लाह का शुक्र है कि हसास हैं और अपने दीन पर, अपने मज़हब पर वो पूरे इत्मीनान, यकीन और दिल से आज भी अमल कर रही हैं। उन्हें शरीयत के किसी भी मसले से न तो माजी में कोई शिकायत थी और न ही मुस्तकबिल में उन्हें कोई शिकायत इंशाल्लाह होने वाली है, क्योंकि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए आया है। हुकूमत वक्त हमारे इस मसले में किसी तरह से मुदाखलत न करे तो ये उसके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। अगर वो हमारे मसाइल से दिलचस्पी लेती है, वो हमारे ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद है, हमारे मसाइल में उसको वाक़ता हकीकता दिलचस्पी है, तो मेरी गुजारिश है उनके हुकूमती कारिंदों से, अरबाब हिल अक्द से, अरबाब हुकूमत से, कि भाई आप हमारे दिगर मसाइल पर पहले तवज्जो करें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि वाकईतन हमारे लिए आपके दिल में दर्द होता है। और फिर बात हम अगर तलाक़ सलासा की शरई हैसियत से करें तो मैं रुक करके एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान चूँकि हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क, इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर हमें हुकूमत वक्त से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा कानून, हमारा दस्तूर, हमारा आईन हमें इस बात की इजाज़त देता है, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है कि हम मुकम्मल इत्मीनान व सुकून के साथ, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर शहरी, हर ज़िम्मेदार शहरी हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन पर मुकम्मल इत्मीनान व सुकून के साथ अमल कर सकता है, उसे रोकने का हक किसी को हासिल नहीं। तो हम अगर अपने मज़हब के उसूलों पर अमल करते हैं, अपने शरीयत के उसूलों पर अमल करते हैं, तो ये हम हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन के मुताबिक करते हैं। इस ताल्लुक से हम ये चाहते हैं कि आवाम का जो काम जो करना चाहिए हुकूमत को, आज पेट्रोल के लिए और दूसरे मसाइल के लिए लोग इतने उलझे हुए अपनी परेशानियों को लेकर,
कुछ लोग घरों के लिए परेशान है, लेकिन बहुत सारे मसाइल है, लेकिन वो परेशानी उनकी जो है वो हुकूमत को देखी नहीं जा रही है। और बिना वजह का ये जो है ट्रिपल तलाक के लिए जो मामला छिड़ा हुआ है, तो जो असल चीज़ है इस पर हुकूमत को जोर देना चाहिए, ना कि इस पर जोर देना चाहिए। तो हमारी गुजारिश यही है कि जो आवाम के जो मसाइल है, जो कौम के मसाइल हैं, उस पर जोर दिया जाए, ना कि इस पर जोर दिया जाए। हमारे उलमा इकराम है जिन्होंने हमको रास्ता बताया है, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल उनके रास्ते पर ही चलेंगे, और हम कुरान हदीस हटके कोई काम नहीं कर सकते। ये हमारी गुजारिश है कि इस पर जो है हुकूमत को जो है बिल्कुल आसानी से अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। सर, आपने सवाल किया है कि ये हुकूमत की कोई 2019 की तैयारी तो नहीं है? बेशक ये 2019 की तैयारी ही की जा रही है उनकी तरफ से। अगर ट्रिपल तलाक के बारे में सोचे तो उसमें ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो हमारी मुस्लिम खवातीन जो है उनके हक़ में ये कर रही है, लेकिन ये सरासर नाजायज़ है उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से। क्योंकि अगर वो किसी बंदे को जो तलाक दे रहा है अपनी बीवी को, ट्रिपल तलाक दे रहा है, तो उसको अगर वो लोग कैद करते हैं तो वो औरत अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालेगी? उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी जब आदमी की, उसको वो बेल नहीं होगी, और वो 3 साल के लिए अगर उसको कैद हो जाएगी तो वो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा वो आदमी या वो औरत? और फिर उसके लिए करके वो औरत कोई गलत रास्ते पर जाएगी या फिर भीख मांगने के रास्ते आ जाएंगे उसके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फेवर नहीं कर रहे हैं मुस्लिम औरतों को, गवर्नमेंट मुस्लिम औरतों को वरगला रही है और उनके लिए करके ये खड्डा खोद रही है कि हमारी औरतें गलत रास्ते पर जाएँ। और किया जा रहा है पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस इस वजह से पास कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, तो इस चीज़ को इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये माइंड डाइवर्ट करने का पूरा पूरा इनका इंतज़ाम किया गया है। तो गवर्नमेंट जो चाह रही है कि 2019 में ये वापस आए, तो ये सब उसके स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये गिमिक है पब्लिक को भड़काने के लिए, पब्लिक को पब्लिक में इंतशार पैदा करने के लिए।